नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। पत्रकारों को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य को सामने रख मीडिया एसोसिएशन ऑफ असम के उद्योग से क्षेत्र में आयोजित हुआ संवर्धना कार्यक्रम। कई सेमिनार के जरिए पत्रकारों को किया जाएगा जागरूक। बराक बुलेटिन के पत्रकार अनिर्बान राय चौधरी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने पर पत्रकारों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। मद्रास सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में कई पत्रकार संगठन बराक घाटी के जुटे एक मंच पर। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में बन रहे किशोर सेतु को लेकर लोगों में छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। क्षेत्र का दौरा किया भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने। उदारवन विधानसभा केंद्र के मैनारवन क्षेत्र में स्वायत्ता के 75 साल बाद लोगों को मिला पेयजल परिसेवा। विधायक मीर कांति सोम की गतिविधियों पर खुशी व्यक्त की आवासीय क्षेत्र के लोगों ने। रोटरी क्लब के उद्योग से चिल्ड्रेंस एजुकेशनल फंड संस्थान के कार्यक्रम के परियोजना के आधार पर बच्चों को दिया गया कई सामग्री। प्रतियोगिता का किया गया पुरस्कार वितरण। छात्र संगठन AIDSU के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा संस्कृति व मानवता के रक्षा में पश्चिम सिंचर में आयोजित किया विचार विमर्श सभा। कई वक्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पर व्यक्त किया नाराजगी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के होटल इलोरा बैंक्वेट हॉल में मीडिया एसोसिएट्स ऑफ असम के कार्यकर्ताओं के उद्योग से किला पत्रकारों को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन संगठन की ओर से जाने माने किला पत्रकार रितन भट्टाचार्य को सौमित्र नाथ ने तथा दीपिलिका दास ने उत्तरीय व मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में जाने माने पत्रकार विकास देव को समाजसेवी स्वर्णाली चौधरी ने मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया, तो वहीं रितेश कुमार ने उत्तरीय प्रदान कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धा व्यक्त किया। पत्रकार संजय राय को प्रदीप सूत्रधर ने मोमेंटो प्रदान किया। साथ ही शरीफुल बरभुया ने इस दिन उत्तरीय प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। जाने माने पत्रकार दिजेंद्र लाल दास को खोज संस्थान के कार्यकर्ता जाने माने व्यक्तित्व तो सज्जन लश्कर ने उत्तरीय व पदक प्रदान कर सम्मानित किया। क्रीड़ा जगत के जाने माने व्यक्तित्व ताजुद्दीन तापाधार को दीपाजय चक्रवर्ती ने उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित किया और शिव कुमार जी ने उन्हें मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। और एक पत्रकार वेदव्रत बनर्जी को जाने माने व्यक्तित्व अजित पाल ने उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित किया। और साथ ही साधन पुरकास्त जो कि आमरा बंगाली संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता हैं उन्होंने मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किए। आखिरकार जाने माने क्रीड़ाविद तथा बराक उपत्यका क्रीड़ा पत्रकार संस्था के संपादक विश्वनाथ हजाम को असम मीडिया एसोसिएट्स के सभापति मणिभूषण चौधरी ने आनुष्ठानिक तौर पर मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही इस दिन के कार्यक्रम में विजित दास ने उन्हें उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित भी किए। बाद में संस्थान के इस कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा प्रमुख व्यक्तित्व समाजसेवी स्वर्णाली चौधरी ने विदाई भाषण देते हुए सभी स्तर के लोगों को संस्थान को सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया और आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन कार्यक्रम पेश करने के लिए अपील किया। गौरतलब है कि कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने आनुष्ठानिक तौर पर प्रदीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तत्पश्चात इस दिन के कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक संगठन के कार्यकर्तागण मौजूद थे। निर्वाण सांस्कृतिक गोष्ठी के कार्यकर्ताओं ने इस दिन उद्घाटनीय नृत्य गणेश वंदना को पेश किया, जिसमें प्रियांशी रॉय, स्वर्णाक्षी भट्टाचार्य, कोयल रॉय, बिपाशा दे, ऋषिता नाथ अपने रंगीन नृत्य पेश कर
गणेश वंदना कार्यक्रम को सफल बनाया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के संचालन में जाने माने निर्देशक ऋषिता नाथ मौजूद थे। और तो और पूरे कार्यक्रम के संचालन के दौरान बराक पत्र पत्रिका धन्यवाद सबाई के कारण सबा धन्यवाद
আমরা সবাই কিন্তু মাকে তুলে ধরেছি, কাজে সবাইকে ধন্যবাদ যে আমরা জানতে মা মা বলতে আমাদের মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অফ আসাম সেটা তো আছে, সাথে আমাদের দেশ মাতৃকা ভারতী মাতাকে আমরা রক্ষা করব এবং ভারতী মাতার যে সংস্কার ভারতী মাতার যে আদেশ ভারত মাতা যা চান সেইগুলো আমাদের অবলম্বন করে চলতে হবে। আর সেইগুলো বেশিরভাগ জিনিসই আমরা ঘরের মার কাছ থেকে শিক্ষা দাঁড়িয়ে পাই সেটা থেকে আমরা নিই এবং আমাদের বুদ্ধি যখন হয় ম্যাচিউরিটি বাড়ে তখন আমরা ওটা থেকে নিয়ে 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 আমরা কাজ করি সবাই। তো এখানে অনেক রকমের এমন আছে মানুষরা যারা অনেক কিছু জানেন না বোঝেন না, একটু আগে সন্দীপ বলছিল যে এই অ্যাসোসিয়েশনে কি কি হবে, ওটা শুনে খুব ভালো লাগলো যে এই যে জিনিসগুলো যদি হয় তাহলে কিন্তু খুব ভালো একটা কাজ হবে এবং আগামী দিনে আমরা ভারত মাতৃকে সম্মান জানিয়ে এইগুলো নিয়ে আমরা চলতে পারি। কাজে মার অবমাননা কোথাও আমরা হতে দেব না, দেই না নিজের মাকে যেমন দেই না গর্ভধারিণী মাকে, সেই রকম কোনো মাকে আমরা অপমানিত হতে দেব না। এবং ভারত মাতার সাথে আজকে শুনলাম লাগিতাসের গলিতে একটি একটি বাড়িতে মাকে প্রতিদিন সংঘাত শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ হয়ে প্রচুর চ্যানেল পোর্টাল ফেসবুক ফেসবুক পেজ ওয়েব পেজ এবং ব্যক্তিগত চ্যানেল গড়ে তোলা হচ্ছে, যার মধ্যে অনেকগুলোই গণমাধ্যমের নিয়মনীতি কিংবা গণমাধ্যমের সঠিক কথা অনেক বাইরে, তাদেরকে কোনো গাইড হচ্ছে না আর ত্রুটিপূর্ণ সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে। গণমাধ্যমকে আরও মজবুত করতে মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অফ আসাম কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যার মধ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে রয়েছে বানান কর্মশালা, সংবাদ রেকর্ডিং কর্মশালা, ভিডিও বা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে ক্যামেরা কাহিনী চিত্রগ্রহণের কর্মশালা, সংবাদ পাঠক পাঠিকাদের জন্য সংবাদ পাঠ করার এবং তুলে ধরার সঠিকভাবে ভঙ্গিমা এবং তার সর্বকণ্ঠ সঠিক স্বরের সঠিক ব্যবহার এর কর্মশালা এবং বিভিন্ন ইভেন্টের পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে আসার কর্মশালা। बराक बुलेटिन के पत्रकार अनिर्बान राज चौधरी के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से मामला दायर किए जाने पर पत्रकारों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस समस्या के समाधान को सामने रखते हुए सिलचर के मध्यशहर सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में पत्रकारों द्वारा एक सभा आयोजित किया गया। कछार करीमगंज हालाकांदी जिले के विभिन्न क्षेत्र से पत्रकारों ने उत्साह के साथ इस सभा में भाग लेते हुए निष्ठ रूप से अनिर्बान राज चौधरी के खिलाफ दागे गए FIR को वापस लिए जाने के साथ साथ उन्हें रिहा किए जाने का मांग भी किया गया। गणतंत्र की अधिकार को कुछ समाजसेवी तथा कुछ दूसरे वरिष्ठ व्यक्ति तो जिस तरीके से क्षति पहुंचा रहे हैं इसके चलते लोगों में तीव्र नाराजगी का माहौल देखने को मिला। पत्रकारों की लेखनीय के ऊपर अगर सरकार शिकंजा थामती है तो स्वाधीनता की आजादी कहां तक पहुंचेगी, पत्रकारों को बेखौफ होकर लिखने का जो मौका है वो कहां जाएगा। राज्य व केंद्र सरकार के कई समस्याओं को लेकर तथा असम में खासकर मातृभाषा की रक्षा मातृभाषा की नियम अधिनियम तथा राज्य व केंद्र सरकार के अनुदान को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया। सूत्र के अनुसार बराक घाटी में सरकारी तौर पर बंगला भाषा सरकारी कामकाज में इस्तेमाल किए जाने का सांविधानिक तौर पर सिद्धांत दिया गया था, लेकिन 1961 के भाषा आंदोलन के बाद से ही इस पर अक्सर परेशानियां खड़ा कर दी जाती है। इधर प्रदीप दत्त राय की गिरफ्तारी के मुद्दे को लेकर बराक बुलेटिन के पत्रकार अनिर्बान राय चौधरी द्वारा संपादकीय प्रतिवेदन पेश किए जाने पर उन्हें देशद्रोहिता का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया। मुद्दे को लेकर पत्रकारों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने अपने मतों का बखान भी किए। इधर अनिर्बान राय चौधरी का कहना था किसी भी हालत में वे अपनी मातृभाषा के लिए किसी भी प्रकार की हार नहीं मानेंगे, प्रकार के समझौते से वे परे रहेंगे क्योंकि यह मुद्दा किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि बराक घाटी का स्वाभिमान का मुद्दा है और तौर अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम का मुद्दा है। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने पुलिस प्रशासन को किसी भी प्रकार के कदम न उठाए जाने के लिए निर्देश दिए जाने का जानकारी दिया है। गौरतलब है कि अनिर्बान राय चौधरी की गिरफ्तारी की
मुद्दे को लेकर एक FIR दर्ज किया गया था, जिसके चलते आज मध्य शहर सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में पत्रकारों की एक सभा आयोजित हुई, जिसमें बराक घाटी के जाने माने पत्रकारगण मौजूद रहकर इस वारदात का तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किए और अपना नाराजगी भी दोहराया। इसी दौरान संस्थान के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से बातचीत किया। आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने यह आश्वासन दिया कि पत्रकार अनिर्बान राय चौधरी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगा और इस संदर्भ में वे पुलिस को अपनी ओर से निर्देश भी देंगे। एक एडिटोरियल के वजह से किया गया है, जिसमें तीन आरोप लगाए गए हैं। उन तीन आरोप प्राइमरीली ये है कि मैंने कोर्ट का या जुडिशियरी का निरपेक्षता पे सवाल उठाया है। दूसरा आरोप ये है कि मैंने आसामी और बंगाली के बीच में दरार डालने का कोशिश किया और मैंने पुलिस पे जहर उगलने का काम किया है। उन्होंने स्वतंत्रता का दोहरा देते हुए ये तीन आरोप मेरे खिलाफ लगाया है और एक केस किया गया है। तो ये स्वतंत्रता मेरा भी जन्मसिद्ध अधिकार है, सिर्फ उनका नहीं है। मेरा देश, ये देश मेरा उतना है जितना उनका है, मैं भी उतना ही स्वतंत्र हूँ जितना वो है। और ये जो औरों के घर में आग लगाने का काम कर रहे हैं, अटल जी कह के गए कोई प्रधानमंत्री होता भारत का काम, औरों की घर में आग लगाने का जो सपना वो सदा अपने ही घर में खड़ा होता है। ये जिन्होंने कंप्लेन किया है और जिनके कंप्लेन के बलबूते मुझे देशद्रोह कहा जा रहा है, उसका उसको ट्रायल शुरू होगा। 27 जनवरी को वही उन्होंने ही मुझे मैसेज किया था कि मेरे खिलाफ एक वारदात हो गया है कठाल रोड में और पुलिस FIR नहीं ले रही है, पैसा लेके आप काइंडली एक स्टोरी कीजिए, आप अगर वो स्टोरी करेंगे तो पुलिस आपका ये मामला ले लेगा। ये वही जानकारी, ये कंप्लेंट है जिन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया। तो कल आपको भी एक देशद्रोह का जरूरत पड़ सकता है। SPDC को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे मैं बहुत सम्मान करता हूँ, IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर है, लेकिन वो सिर्फ एक SP या DC नहीं है, वो हजारों ऐसे यंग लड़कियों का प्रेरणा है जो कल एक IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं। आप वो भी ध्यान में रखिए क्योंकि सब देखा जा रहा है जो जो हो रहा है। और मैंने कल भी यही बोला, आज भी यही बोलूंगा कि मेरा एक ही स्टेटमेंट है, कल मुझे जो थाने जाने बोला जाएगा मैं जाऊंगा थाने, और मेरा एक ही स्टेटमेंट रहेगा कि जो एडिटोरियल पब्लिश हुई है उसका मैं पूर्ण दायित्व लेता हूँ। आई स्टैंड बाय माई एडिटोरियल एंड आई नॉट चेंज इट सिंगल वर्ड। और ये आपकी एडिटोरियल नहीं है, इसे बहुत लिखा जाएगा। और ये SMS में बताती है, उसमें एक चीज हमको कहा जाता है, जब मैंने मिजोरम के टाइम में भी देखा था, मैं बांग्लादेशी कहा जा रहा था, तो ये मैं ये कह देता हूँ, आई एम ए सन ऑफ असम, आई एम ए प्राउड सन ऑफ असम, इफ नीडेड आई गिव माय लाइफ फॉर द स्टेट ऑफ असम, बट आई वाज ए बंगाली, आई एम ए बंगाली एंड आई फॉरएवर रिमेन ए बंगाली एंड दैट आल्सो मेक मी एनी बेस्ट ऑफ द सन ऑफ असम देन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में नए तौर पर बनाया जा रहा है किशोर सेतु। किशोर सेतु के निर्माण कार्य का दौरा किया विभागीय इंजीनियर के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर व दूसरे अधिकारियों की मौजूदगी में बोरखला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने इलाके के कई क्षेत्र का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 70% पुल का निर्माण कार्य सम्पन्न हो चुका है। आने वाले 2022 के जुलाई महीने में इस सेतु का अनुष्ठानिक तौर पर निर्माण कार्य समाप्त हो जाएगा, तत्पश्चात अनुष्ठानिक तौर पर इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। इस दिन के इस दौरे के दौरान टी मोर्चा सभापति पप्पू ग्वाला, माचुघाट GP AP प्रतिनिधि राजेश शर्मा, भाई टी सिंह तथा दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। Thank you.
स्वाधीनता के 70 साल बीत जाने के बाद भी उदारवन विधानसभा केंद्र के गोसाईपुर जीपी के तीसरे खंड व पंचम खंड में नए तौर पर राज्य सरकार की ओर से जल जीवन प्रकल्प अधीन दो निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। गोसाईपुर जीपी के पंचम खंड पोलांटी की इलाके में 93,69,000 रूपये की लागत से तथा वनारवन क्षेत्र में 1,33,55,000 रूपये की लागत से नया जल प्रकल्प अनुष्ठानिक तौर पर शुरू किया जा रहा है। उदारवन के विधायक मीर कांति सोम की मौजूदगी में तथा उनके प्रयास से इलाके के लोगों को पेयजल मिलने पर इलाके के लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। कार्यक्रम में विभाग के आधिकारिक जियाउल हक लश्कर, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर पन्नालाल पुरकास्त, रजनीकांत सिंह, विद्युत दे, भाजपा कर्मी व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। जल जीवन मिशन शिलान्यास अनुष्ठान एखे उपस्थित रही पर एलिकाते नूतन करे जल जीवन मिशन माध्यमे आज के काजे शिलान्यास हलो। आज के माननीय प्रधानमंत्री जे स्वप्न से स्वप्न वास्तव होते जाच्छे। आ सत्यिकारे अर्थे ये एलाकार मानुष नाला खालकारेर कारणे अनेक किछु फल आमरा आशा करते पेते चलेछि। शुधु जल नय, प्रत्यंत एलाकाते जलेर संगे संगे विद्युतेर अवस्था एकी अवस्था छिल। 70% ग्रामे विद्युत छिल ना, आज 70% ग्रामे সেটা পূর্ণ হতে চলেছে। সমাচার হল এই ছোট সব বিরাম। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলং পট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টিকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাজা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-261-660 এবং 943-507-2166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শোরুম, রাজা মাধব রোড, বিলপার, শিলচর। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारों सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही
समाचारों के अगले चरण में। सिलचर शिक्षा निकेतन में 5 दिसंबर को शिशु समारोह के दौरान कई प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मानित अतिथि के रूप में जिले के कार्यक्रम में सांस्कृतिक विभाग के अधिकर्ता श्रीमती हिमाश्री डेका, रोटरी क्लब के सिलचर गेटर के सभापति बुधमल वैद, अतिन्द्र विजय चौधरी, बदुस्य हस्तीगढ़ की मौजूदगी में इस दिन 14 नवंबर को आयोजित किए गए शिशु दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगितामूलक गतिविधियों का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी संपन्न किया गया। Congratulations again. This is yours? Yes. Yeah. छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्ताओं के उद्योग से पश्चिम सिलचर आंचलिक कमेटी के पहला सम्मेलन कार्यक्रम कॉलेज रोड क्षेत्र में आयोजित किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान संगीत परिवेशन किया गया। तत्पश्चात जिला कमेटी के सदस्य साबिर अहमद के सभापतित्व में परिचालित सभा में सभा के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किया गया। राज्य काउंसिल सदस्य सपन चौधरी की मौजूदगी में इस दिन संपादक गौरव चंद्र दास ने अपने वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा की विध्वंसकारी एक पहलू है, जिसके चलते छात्र छात्रा बुरी तरह प्रभावित होंगे। विशिष्ट शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, इस्लामविद तथा शिक्षानुरागी आम जनता इस संदर्भ में इन दिनों समझ रहे हैं। राज्य में केंद्र सरकार के उदासीन गतिविधि तथा शिक्षा के क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई के चलते आने वाले पीढ़ी को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना होगा। इस दिन इस कार्यक्रम को लेकर जिला कमेटी के दूसरे सदस्य आपन लाल दास व दूसरे सदस्यों की मौजूदगी में विस्तारित खुलासा भी किया गया। MLA, MT, everybody is on the same page that we want to change the town to make it into a national level town, if not a world class town. उसके लिए काफी planning तो करनी पड़ती है, तो आज ये पहला one of the first steps है कि collectively you've also been hearing rumors कि airport आने वाला है, industrial park आने वाला है. There are lot of plans that government has for Barakhali, which of course is सिलचर के असम गण परिषद कार्यालय में विधानसभा परिषद व असम महिला परिषद के उद्योग से कछार जिला महिला परिषद का साधारण सभा आयोजित किया गया। अगप केंद्रीय महिला सभा नेत्री वरदा कलिता के मौजूदगी में इस दिन संपादक विमलेंदु सिंह के सभापतित्व में सभा में 150 से भी ज्यादा पुरुष महिला युवक युवतियों ने असम गण परिषद दल में योगदान दिया। नीलांजन राय के नेतृत्व में युवक युवतियों ने अगप दल में योगदान दिया। गौरतलब है कि आने वाले चुनाव को सामने रख सिलचर, लखीपुर तथा कई क्षेत्र में बोर्ड गठन कर व कमेटी गठन कर अपने अपने उम्मीदवार प्रदान किए जाने के साथ साथ अगप उम्मीदवारों को विजयी करवाने के लिए इस दिन विस्तारित तौर पर विचार विमर्श भी किया गया। असम गण परिषद के इस दिन के सभा में केंद्रीय नेत्री अजय राभा, केंद्रीय कमेटी के सांगठनिक संपादक शैली महापेद लस्कर, सिलचर विधानसभा परिषद के सभापति आबुल आवाल बोलस्कर व दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे।
खाली बैनर पोस्टर तका आरखि जमा माइ थके अगर माइ पिसत माइ कर माइ बिला हेदा साडे रे कोठा आमी एकदम अहम करे परिखत। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के कछा जिला कमेटी के उद्योग से संगठन का कछा जिला सम्मेलन द्वारमन क्षेत्र में आयोजित किया गया। सम्मेलन में संगठन के जिला सभापति शामदेव कुर्मी ने झंडा लहराकर पूर्ववर्तन कमेटी के संपादक माधव घोष तथा दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शहीद वेदी पर माल्यदान किया। तत्पश्चात जिला कमेटी के भूतपूर्व सहसभापति योगेश चंद्र बोड़ाइक व सोनाई ब्लॉक कमेटी के सदस्य फरीदुद्दीन व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जिस तरीके से कार्य किया गया है इस क्षेत्र में सराहना किया गया और मारे गए सदस्यों की याद में एक मिनट का मौन भी पालन किया गया। किसान नेता शामदेव कुर्मी के सभापतित्व में परिचालित इस सभा में कई मुद्दों पर आलोकपात किया गया और विधायी संपादक माधव घोष के कर्म पंथा पर भी प्रोत्साहन प्रदान किया गया। बाद में इस दिन प्रमुख वक्ता के मौजूदगी में शामदेव कुर्मी को सभापति लक्कीचरण आकुड़ा को संपादक निर्वाचित कर 14 सदस्यों को लेकर कछा जिला कमेटी गठन किया गया है। सभा के अंत में कमेटी के नवनिर्वाचित सभापति शामदेव कुर्मी सम्मेलन को सफल किए जाने के क्षेत्र में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने पर खुशी व्यक्त किया और जिला कमेटी के जाने माने सदस्य हिलोल भट्टाचार्य की मौजूदगी में विस्तारित तथ्य भी उजागर किए गए। लड़ाई जाते अंश ग्रहण करून कृषि मौसम शेष हो गए अपना जुक्त हो आबार ग्रामे ग्रामे कृषक आंदोलन गढ़े तुलून यथार्थ बार्ता मेसेजा ग्रामे गंजे पहुंचे दिन पहुंचे देवार मध्य दिए कृषक संगठन आरो शक्तिशाली हो शक्तिशाली संगठन गढ़े उठले समस्त दाबी दावा आदाय करते पारबो। এইটুকু বলেই আমি আমার আজকের এই সম্মেলনের বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ, এসইউসিআই জিন্দাবাদ, জয় কিষাণ। हर साल की तरह इस साल भी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम के जरिए हाइलाकांदी लक्कीशहर क्षेत्र में स्थित हठात करोनी इलाके में विश्वजनी श्री गीता समाज हाइलाकांदी जिला कमेटी के उद्योग से संवत्सर व्यापी श्री गीता पाठ व विचार विमर्श पूर्णाहुति रूप कार्यक्रम आयोजित किया गया। दो दिवसीय वार्षिक गीता स्वाध्याय व यज्ञानुष्ठान कार्यक्रम संपन्न होने पर लोगों में उत्साह की दौड़ देखने को मिली। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में समीरन दास, जवाहरलाल चक्रवर्ती, मिलन नाथ लस्कर, श्रीमती अनिंदिता पाल, श्रीमती नंदा भट्टाचार्य प्रमुख हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। कार्यक्रम के संचालन में विराज भट्टाचार्य व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। পূর্ণাহুতি রূপে আজকে বাৎসরিক গীতা শ্রদ্ধা যজ্ঞটা এখানে আমার এখানে করা হয়েছে। আমরা প্রতি বছর পাড়ায় পাড়ায় বা যে কোনো রাধা মাধব আপনাতেও করেছি, বারোয়ারিতে করেছি, এরপরে টাউন হলে করেছি। সামান্য কথার মধ্যে বলে দেবেন যে আমরা হরিনাম যজ্ঞ আর গীতা যজ্ঞের মধ্যে বেশ খুব ধন্যবাদ। আচ্ছা দেখুন, আচ্ছা আজকে যে এই যে গীতা যজ্ঞ হয়েছে এই যজ্ঞের মধ্যে মানে এটার উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্যটা কি ছিল আপনার হিসাবে? এই বিশ্বজন গীতা সমাজ আয়োজিত যে গীতাযজ্ঞ হয়েছে এটার মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজ তথা রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো দেখুন যে আমাদের সমাজের মধ্যে বিভিন্ন গুরুবাদ বলুন, আমাদের জাতি শুদ্ধ সনাতন लायंस क्लब के उद्योग से मधुमेह बीमारी से संबंधित एक जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़े पैमाने पर हिताधिकारी मौजूद रहकर अपने अपने जांच करवाए। इसी दिन लायंस क्लब की ओर से अन्न सेवा प्रकल्प के आधार पर हर रविवार को दोपहर 12 बजे आहार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसके चलते लोगों में काफी उत्साह की व खुशी की माहौल देखने को मिली। নিবা
सिलचर शहर में जमे हुए पानी के चलते जो लोग परेशानी झेलते हैं तथा शहर के कई क्षेत्र में नालों के निष्कासन परिसेवा व दूसरे कई समस्याओं को लेकर जिला उपायुक्त के कार्यालय में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जल्ली के सभापतित्व में एक सभा आयोजित किया गया। विभिन्न विभाग के विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सिलचर शहर से जल निष्कासन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किए जाने के उद्देश्य को सामने रख विचार विमर्श किया गया और कई सिद्धांत भी लिए गए। তাইলে আজকে এই দেশে একই দেশে থাকে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন কেন এই প্রশ্ন আজকে কে করত যারা সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হইতেছে যারা শিক্ষার অধিকার হারাইতেছে যাদের কাছ থেকে শিক্ষাটাকে কাড়িয়ে নেওয়া হইতেছে শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার এই অধিকার থেকে যারা কাড়িয়ে নিতেছে যারা বঞ্চিত করতেছে যারা বঞ্চিত হইতেছে তারা ছাড়া এই কথা কে কইব প্রাপ্য এই কথাটা কুদিরে মুসুল জানতো জানিয়া যে এত বড় রিস্কটা নিতে পারছে সে কত বড় ট্যালেন্টেড কত সম্পদ কত বড় সম্পদ এই যে সম্পদটা আমরা যে হারাইছি এই যে সম্পদটা হাসতে হাসতে যে ফাঁসি কষ্টে গেছে তার যে স্বপ্ন আছিল সেই স্বপ্ন কি আজকে পূরিত হয়েছে পূরিত হয়েছে না তাহলে এই যে পূরিত হয়েছে না তার বিরুদ্ধে এই পূরিত করার লাগে স্বপ্ন ক্ষুদিরাম বসু স্বপ্ন পূরণ করার লাগে আজকে কে কথা বলবো যারা আজকে বঞ্চিত হইতেছে যারা আমরা আজকে ক্ষুদিরাম বসু স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। पत्रकारों को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य को सामने रख मीडिया एसोसिएट्स ऑफ असम के उद्योग से क्षेत्र में आयोजित हुआ संवर्धना कार्यक्रम कई सेमिनार के जरिए पत्रकारों को किया जाएगा जागरूक। बराक बुलेटिन के पत्रकार अनिर्बान राय चौधरी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने पर पत्रकारों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। मदरसा और सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में कई पत्रकार संगठन बराक घाटी के जुटे एक मंच पर। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में बन रहे किशोर सेतु को लेकर लोगों में छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। क्षेत्र का दौरा किया भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने। उदारबन विधानसभा केंद्र के मैनारबन क्षेत्र में स्वायत्ता के 75 साल बाद लोगों को मिला पेयजल परिसेवा। विधायक मीर कांति सोम की गतिविधियों पर खुशी व्यक्त की आवासीय क्षेत्र के लोगों ने। रोटरी क्लब के उद्योग से चिल्ड्रंस एजुकेशनल फंड संस्थान के कार्यक्रम के परियोजना के आधार पर बच्चों को दिया गया कई सामग्री। प्रतियोगिता का किया गया पुरस्कार वितरण। छात्र संगठन एआईडीएसयू के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा संस्कृति व मानवता के रक्षा में पश्चिम सिंचर में आयोजित किया विचार विमर्श सभा। कई वक्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पर व्यक्त किया नाराजगी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।